हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय मंथली फेवरेट्स वीडियो, मतलब जनवरी मंथ में जो भी मेरे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं उनमें से जो मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और किसी भी प्रोडक्ट की अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर सकते हैं। ऑल्सो वीडियो के नीचे मैं काफी सारे कमेंट्स रिसीव करती हूँ कि आपने कौन सा लिप शेड इस्तेमाल किया है, आपने कौन से आई शेडोज इस्तेमाल किए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू द डिटेल्स। एक्चुअली तो आज जो मैंने आई शेडो इस्तेमाल किए हैं वो है ये मेकअप रेवोल्यूशन रीलोडेड न्यूट्रल्स 2 पैलेट। ब्यूटीफुल शेड्स है इसमें, बहुत ही ज्यादा ब्राइट समरी कलर्स है इसमें, तो मुझे ये पैलेट काफी अच्छा लगा। और ये भी एक मंथली फेवरेट्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज मैंने इसे जनवरी मंथ में ही मुझे रिसीव हुआ है ये, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई रिसीव दिस फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। सो या आई लव द शेड। ऑल्सो मेरे जो लिपस्टिक लिप शेड जो मैंने इस्तेमाल किया है, एक्चुअली इफ यू नो मी आई नेवर यूज वन लिपस्टिक, मैं दो तीन शेड्स को मिक्स करके इस्तेमाल करती हूँ ताकि बहुत ही यूनिक सा कलर मिले। सो फर्स्ट मैंने इस्तेमाल किया है ये मेबलिन क्रीमी मैट लिपस्टिक इन दी शेड 631 मिस्टीरियस मोका। एंड फिर मैंने उसके ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा न्यूडिश साइज में है तो उसके ऊपर मैंने डॉट्स में अप्लाई किया है ये ब्लू हेवन लॉन्ग वेयर लिप कलर। इसका जो शेड है वो है LC04, बहुत ही ब्राइट मरूनिश रेड कलर है इसका, तो उसको मैंने इसके ऊपर डॉट्स में अप्लाई किया है और फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है, तो इससे एक बहुत ही खूबसूरत सा मॉव शेड मुझे मिला है। सो आई लव द लिप शेड। जो पहला प्रोडक्ट मेरी मंथली फेवरेट लिस्ट में नंबर वन में आएगा वो है एक हेयर केयर किट जो कि बी बॉडी वाइज का है। ये एक कस्टमाइज्ड हेयर केयर किट है जिसको डॉक्टर्स ने आपके लिए, मतलब डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया है एंड डॉक्टर शोभिता आनंद ने मुझे सजेस्ट किया था। एंड ये जो हेयर केयर किट है ना, आई जस्ट लव दिस किट क्योंकि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीरम है ना, मैं हर रोज एकदम अडिक्टेड हो गई हूँ इस सीरम को इस्तेमाल करके, बिकॉज जब भी मैं शूट कर या फिर फिल्म करने बैठती हूँ तब भी मेरे हेयर ना, जब रात को हम लोग हेयर को टाई करके सोते हैं तो फिर वेव्स वगैरह सब आ ही जाते हैं हेयर में, तो मैं इस सीरम को जस्ट अपने हेयर में एक बार अपने फिंगर में लेकर जस्ट एक बार ऐसे रन कर लेती हूँ एंड उससे ही बहुत ही खूबसूरत एंड सॉफ्ट हो जाते हैं हेयर। ऑल्सो ये हेयर के बहुत ज्यादा मैनेजेबल और शाइनी भी बनाता है, हीट से भी प्रोटेक्ट करता है, तो आप इसके बाद स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। पर्सनली मैं अपने हेयर पर उतना ज्यादा हीट प्रेफर नहीं करती तो मैं नहीं इस्तेमाल करती, बट आप इसे हीट प्रोटेक्टेंट सीरम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये जो हेयर केयर किट है स्पेशली द सीरम, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ऑल्सो ये है सीरम। नेक्स्ट इसमें जो हेयर सोल्यूशन है और अदर हेयर ऑयल वो भी काफी अच्छा है। एंड मैंने हाफ तो इतना शायद बाकी है इसमें बिकॉज मैंने पूरा ही शायद खत्म कर लिया है, बिकॉज मैं आजकल ऑयलिंग में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत मैं हेयर फॉल फेस कर रही थी ड्यू टू डैंड्रफ प्रॉब्लम्स एंड ऑल, तो मुझे ये काफी ज्यादा बेनिफिट मुझे मिल रहा है इससे। और इसमें ना थोड़ा सा आंवला जैसा फ्रेग्रेंस है, तो आंवला हेयर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आई नो दैट। और मैं हेयर ऑयलिंग बहुत ज्यादा करती हूँ, बहुत ज्यादा प्रेफर भी करती हूँ, तो हेयर ऑयलिंग के लिए मैंने काफी सारे हेयर ऑयल्स भी मैं ट्राई आउट करती रहती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें थोड़ा सा लेमनिश सा और आंवला जैसा फ्रेग्रेंस भी है। आप इसे वार्म करके अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा, किसी भी हेयर ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से ये आपके स्कैल्प में अब्सॉर्ब होता है और पेनिट्रेट भी होता है। सो आप चाहते हैं तो डिटेल में अगर इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो हेयर केयर रूटीन है आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। जो नेक्स्ट है वो भी एक हेयर ऑयल ही है, वो है ये वाव स्किन साइंस आमला हेयर ऑयल। ये वाव स्किन साइंस का न्यू लॉन्च है और इसका जो ये पैकेजिंग है ये मुझे अच्छा लगता है बिकॉज ये इस तरीके से आता है तो आप इस तरीके से इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर में। ये कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ आता है, आप चाहते हो इसे वार्म भी कर सकते हैं, तो मैंने इसे वार्म करके मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ तो ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो आप इसे भी चाहते हैं तो परचेस कर सकते हैं बिकॉज इसमें 99.9% प्योर और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, सो दैट्स अमेजिंग। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो एक बॉडी ऑयल है, ये है फ्रॉम कियासेट अरोमा थेरेपी ऑरेंज बॉडी ऑयल।
तो कियासेट का जो ये ऑरेंज रेंज है उन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली, एंड मैं इस बॉडी ऑयल को इस्तेमाल करती हूँ। बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए इसे, तो आप इसे अपने बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड्स एंड लेग्स पर, जैसे बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली है। तो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले मैं अपने लेग्स एंड हैंड्स पर इसे पूरा मसाज करती हूँ, और बहुत ही ज्यादा नॉन स्टिकी है और इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है, लाइट वेट है, इसकी वजह से मुझे ये इतना अच्छा लगा। बट इसका ना फ्रेग्रेंस प्योर ऑरेंज जैसा है, तो वो फ्रेग्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बट अगर आपको ऑरेंजेस पसंद है तो आपको तो पसंद आएगा ही। ऑल्सो इसका जो फॉर्म्यूला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो यू कैन डेफिनेटली परचेज दिस कियासेट ऑरेंज बॉडी ऑयल। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक फेस स्क्रब है, विच इज फ्रॉम द ब्रांड द स्किन स्टोरी मोरिंगा फेस स्क्रब। और मोरिंगा ना में मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मोरिंगा स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आई थिंक यू ऑल नो दैट। तो ये जो मोरिंगा फेस स्क्रब है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी यूनिक और अलग इसका कलर है, तो आप डेफिनेटली इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। इसका प्राइस है 249 रुपीज, तो आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस में भी परचेज कर सकते हैं। सो या और द स्किन स्टोरी के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की मैं रिव्यू भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द, तो अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स मैंने काफ़ी सारे इस्तेमाल किए हैं, मुझे अच्छा भी लगा है, सो मैंने सोचा कि एक अलग सा वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली एक अलग से वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ओके, सो जो नेक्स्ट है वो भी एक कियासेट का ही ऑरेंज रेंज का एक प्रोडक्ट है, विच इज दिस लिप जेली। नाउ द नेम लिप जेली इज क्वाइट अनकॉमन फॉर मी, बट ये बहुत ही अच्छा एक लिप टिंट टाइप्स है, क्योंकि एकदम ऑरेंज जैसा इसका कलर है, एकदम ऑरेंज जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, तो ये आप अगर लिप्स पर अप्लाई करते हैं ना, नेचुरल सा टिंट जैसा ये छोड़ता है, मॉइस्चराइज करता है, बट नॉट एट ऑल कि बहुत ज़्यादा इंटेंसली मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, वैसा नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, लाइटली मॉइस्चराइज करता है, बट इसकी जो टिंट है ना वो मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहते हैं तो इसे एज अ चीक और लिप टिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट, और इसका प्राइस भी सिर्फ 110 रुपीज़ है। कियासेट के सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, मैं आप चाहते हैं तो मैं इस ऑरेंज जो किट है रेंज है इसके ऊपर अलग से एक वीडियो शेयर भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट जो है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, और मैंने अपने स्किन केयर रूटीन वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, करेंटली मैं इस स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही थी। तो ये है क्रीम द अर्दी आयुर्वेदा का, जो कि पूरा खत्म हो रहा है, और नेक्स्ट है ये सीरम। अभी क्रीम थोड़ा सा बाकी है, बट सीरम तो पूरा ही खत्म हो चुका है। सो मैंने अपने स्किन केयर रूटीन वीडियो में भी शेयर किया है, दीज आर रियली रियली ऑसम, पूरा एकदम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है ये, और नेचुरल आयुर्वेदा को फॉलो ही किया है इसे बनाते टाइम, तो आई लव्ड दिस वन, और उनके पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रीपर्चेज कर लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सूट किया है ये प्रोडक्ट्स मेरी स्किन में। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो एक बॉडी वॉश है, इसके बारे में मैंने अपने Q&A वीडियो में भी आप लोगों के साथ मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन था वो शेयर किया था, एंड आई लव दिस बॉडी वॉश। ये शावर जेल देख सकते कितना ज्यादा मैंने इस्तेमाल ऑलरेडी कर लिया है, हालांकि अब बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए, जेली लाइक थिक कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, अभी मैंने इसे हाथ में पकड़ा है ना तो इसका फ्रेग्रेंस आ रहा है, इतना रिफ्रेशिंग से एक अलग सा फ्रेग्रेंस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, बट बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस है, जो मैन वुमेन चिल्ड्रन एवरीवन कैन यूज। तो ये बॉडी वॉश आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय, रिवोना नेचुरल्स का ये बॉडी, ये शावर जेल है, बहुत ही अच्छा है ये समर्स के लिए भी, विंटर सीजन के लिए भी, सो यू शुड परचेज दिस वंस। ओके, सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप ये मेरा मंथली फेवरेट्स वीडियो आप सबको अच्छा लगा, और इसी तरीके का अगर मंथली फेवरेट्स या फिर किसी भी तरीके का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय एवरीवन।